हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ये मॉर्निंग का समय है और आज ये वीरवार की वीडियो है। तो वीरवार और शुक्रवार दोनों दिन की वीडियो है इसी में। तो चलिए फ्रेंड्स, और जो है ये आज मैं जो है बेड के जो सिरहाना होता है ना, उसको क्लीन करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो इसमें ये काफ़ी टाइम से सामान रखा हुआ था, तो मैंने इसको निकाल कर साफ़ नहीं किया, तो इसको मैं साफ़ कर देती हूँ। और अब इसमें जो है गर्मियों के चद्दर वगैरह रखूँगी। चद्दर हो जाते हैं और बहुत से काफ़ी सामान हो जाते हैं, तो वही सामान अब रखा जाएगा इसके अंदर। तो ये जो सर्दियों की चद्दर वगैरह है निकाल दूँगी, और काफ़ी सारा सामान है जो इसमें से निकाल दूंगी और फेंकने वाली चीज़ें फेंक दूंगी, और जो है रखने वाली चीज़ें जो है वो वापस से रख दूंगी। और हाँ, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और जो है बस क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो मैंने बेड वगैरह तो पहले ही एक दिन साफ़ किया था, आप सबके साथ शेयर भी किया था। बस आज मैंने सोचा चलो ये सिरहाने में भी साफ़ कर देती हूँ। तो इसमें ये काफ़ी गहरा है और जो है इसमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है, तो इसी में मैं अपनी बेटी की रजाई भी रख देती हूँ और बाकी की भी चीज़ें रख देती हूँ। इसमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है, तो जो भी टूटा फूटा सामान है वो निकाल दूँगी। और कुछ चीज़ें होती है ना ख़राब हो जाती है, तो वो भी निकाल के फेंकना पड़ेगा। और तो चलिए फिर कर लेते हैं। और यहाँ पर लगा देती हूँ म्यूजिक, आप लोग वीडियो इंजॉय कीजिए और जो है फुल वॉच कीजिएगा। अगर हो सके तो फुल वॉच कीजिएगा, नहीं तो 2 मिनट या 3 मिनट की तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा वॉच करना तो हमारा फ़ायदा होगा। अगर आप लोग वीडियो वॉच नहीं करेंगे तो हमें फिर कुछ तो यहाँ पे सारे जो है सिरहाने मैंने साफ़ कर दिया, और जो सामान निकला था वो मैं इस बेड के अंदर डाल दूँगी। तो सारा सामान रख दूँगा, और अकेले ही बेड उठा कर मुझे अकेले ही सामान रखना होता है, तो बहुत मुश्किल होती है रखने में सामान। तो और ये बेड बहुत ज़्यादा भारी है, और तो रख दिए बस सामान। अब मुझे चादर वगैरह डाल दूँगी इस पर और कुछ ठीक हो जाएगा अच्छे से। और झाड़ू पोछा भी करना है, अभी मैंने किया नहीं। और बाहर गाड़ियों की आवाज़ का चल रही है, आज एडिटिंग मैं दोपहर का टाइम कर रही हूँ, तो बाहर बहुत शोर शराबी भी हो रहे हैं, तो इग्नोर करना प्लीज़, आज के दिन इग्नोर कर लेना। तो क्या कर सकते हो, अब लोग अपने काम में भी लगे हुए हैं, मुझे भी अपना काम यूट्यूब का करना है, तो क्या कर सकती हूँ। और 2 दिन हो गए, मैं 1 दिन हो गए कल मेरी वीडियो नहीं आई थी, तो मैं सोचा चलो आज शेयर कर देती हूँ। और आज भी दोपहर हो चुकी है, तो चादर वगैरह डाल दूँगी। और मैं ना गर्मियों की चादर मैंने निकाल ली है, तो यही डालूँगी, क्योंकि सर्दियों की चादर डालते डालते ना बोर हो चुकी हूँ मैं। देखते देखते अब दिल कर रहा है कि गर्मियों की चादर डालूँ, और वैसे भी अब ठंड नहीं लगती है इतनी, तो इसलिए मैं गर्मियों की चादर डाल दूँगी। और उसके बाद तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो देखिए। और फ्रेंड्स, आप सभी का धन्यवाद भी मैं करना चाहूँगी, जो आप लोगों ने मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए, और मेरी जो है सेहत का भी ध्यान रखने के लिए आप लोगों ने कहा मुझे। तो चलिए फ्रेंड्स, और जो है ये रात का समय है, रात नहीं मॉर्निंग का समय है, शुक्रवार मॉर्निंग का। तो ये कढ़ी और चावल मैंने मॉर्निंग में बनाए थे, और ये रात को भी बनाए थे कढ़ी, और सुबह भी बच्चे कह रहे थे हमें कढ़ी खानी है, तो मैं वही कढ़ी चावल बना रही हूँ। तो बस कढ़ी पका लूँगी और कढ़ी चावल हो जाए। बच्चे अपने टिफ़िन में भी कढ़ी और चावल ही लेकर जाएंगे, क्योंकि बच्चों को कढ़ी चावल बहुत पसंद है और उनके फ्रेंड्स को भी बहुत पसंद है। तो ये देखिए अभी बच्चे और हस्बैंड सो रहे हैं, और मैं आप लोगों को बाहर का दिखाती हूँ। तो काफ़ी उजाला हो चुका है बाहर, और गेहूँ हो चुके हैं, बस 1 महीने बाद गेहूँ भी कट जाएंगे। और ये देखिए फूल पौधे, और ये मेरा मनी प्लांट आप लोग देख सकते हैं,
इसकी बेल काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बस यहीं तक, कल फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।